तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो खेत गली, बड़े बड़े यहाँ पर पॉन्ड वगैरह देख ही सकते हैं। अभी हम शांति बाजार पर, ये देखो बिलोनिया का पहाड़ का नजारा, ये देखो मनु बाजार तक आते आते पूरा ट्रेन खाली हो गया है। हमसे गाड़ी लेना पड़ेगा अंकल, ये तो हाईवे है ना यहाँ का। ग्रेट मजा है ना, देखिए देख सकते हो रुपाई चली का एक मार्केट पड़ा है, कितना बड़ा मार्केट है। वो आ जाएगा और कुछ ही देर में ट्रेन छोड़ देगा, तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और प्रीतम भाई भी, ये देखो, तो जैसे कि देख ही सकते हैं हमें अभी साहबगंज जाना है और वहाँ पर रुपाई छोरी, और वहाँ से हमें बहुत सारी जगहों पर जाना है। तो हम अभी लोकल ट्रेन में बैठ गए क्योंकि लोकल ट्रेन ही अब वो आ जाएगा और कुछ ही देर में ट्रेन छोड़ देगा, तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और प्रीतम भाई भी, ये देखो, तो जैसे कि देख ही सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आखिरी बार जब हम साबरूम गए थे तो बस से गए थे और 3-4 घंटे के करीब लगा था गाइस, लेकिन आज ट्रेन से जा रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर जाना है तो 1.5-2 घंटे जैसा लगेगा, ऐसा ही कुछ होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो खेत गली, बड़े बड़े यहाँ पर पॉन्ड वगैरह देख सकते हैं। छपड़ी और क्लासी दोनों की है अलग ही रंग, पर दोनों की एक ही पसंद। ये है क्लासी और ये है छपड़ी, देख ही सकते हैं। जैसे कि देख ही सकते हैं अभी हम शांति बाजार पर, तो देखिए देखिए बिलोनिया का बाहर का नजारा, बिलोनिया स्टेशन का कितना मजा, घूम घूम कर सकते। ये देखो बिलोनिया का बाहर का नजारा कितने औसम है। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर भी टनल बन रहा है, त्रिपुरा के इस जगह पर भी टनल है गाइस। ये देखो मनु बाजार तक आते आते पूरा ट्रेन खाली हो गया है। तो गाइस हम आ गए साबरूम पर, यहाँ पर लग गए। वाह वाह साबरूम रेलवे स्टेशन, अबे पनौती, वाह 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 साबरूम रेलवे स्टेशन का भीड़ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं साबरूम का रेलवे स्टेशन बहुत ही बढ़िया है, सामने की तरफ जा रहे हो आगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे जो ट्रेन है हम उसी पे सफर करके आए हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे बहुत जगहों पर घूमने के लिए। और जो वीडियो कर रहे हो वो मच्छर बहुत हंस रहा है, तो मुझे भी थोड़ा हंसी आ गई, सॉरी उसके लिए। तो देख ही सकते हैं अभी हम शब्दों मार्केट पर जा रहे हैं और वहाँ से फिर से गाड़ी लेना पड़ेगा मनुबंगपुर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं साबरूम, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर अराउंड में है वो मार्केट। तो अभी हम जा रहे हैं, ये
जगह है, ऑसम प्लेस है गाइस। और यहाँ का मतलब ढलान है, दिखाई दे रहा है सिर्फ ढलान। और ये देख सकते हैं शाबरूम का ऑफिस रेस्ट हाउस, वो देखो। और रोड देखो भाई, रोड देखो, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रोड है भाई। देखो ये है यहाँ का रोडवे। बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। काफी दूर है गाइस ये बाजार। ये देखिए हम हाईवे पर आ गए हैं सब। अंकल ये तो हाईवे है ना यहाँ का? हाँ हाईवे। ये देख सकते हो बेट बजे है ना। देख सकते हैं अभी हमने रुपाई छरी यानी कि मनो बंकुर के लिए गाड़ी पकड़ लिया है। यहाँ की रोड बहुत बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, सब है, बट यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ वो है, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है ग्रेट वजाइना, देखिए। तो वो देखो सामने देखो उदयपुर लिखा हुआ है 44 किमी पे उदयपुर है शांति बाजार। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लाइन का बहुत बड़ा यहाँ पर सब दूर से दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बढ़िया जगह है भैया। ओ भैया साबरूम से रुपाई चौरी तक कितने किलोमीटर से डिस्टेंस? एक्चुअली 10 किलोमीटर के ऊपर होगा। मनो बंकुर गाइस बहुत ही अंदर है, बहुत अंदर। कब से मतलब चला ही है, मतलब पहुंचे 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो अंदर के रास्ते हाईवे पे नहीं है, बट बहुत ही अंदर है। देख सकते हैं मतलब रोड पूरा खाली है क्योंकि बहुत ही अंदर के रोड है, तो यहाँ पर कोई नहीं। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर ईंट की पट्टियाँ भी है ऊपर से दिखाई दे रहा है, और रबर उठ के पेड़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। घने जंगल है यहाँ पर, बहुत ही घना जंगल भाई। और ये देखिए बड़ा लेक दिखाई दे रहा है। कैसे आ रही है वो देखो सामने बंदर भाई, बंदर ये
देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा मोटा मार्केट जैसा दिख रहा है, सुकांत मार्केट देखिए, नाय बाजार नाम ऑटो स्टैंड। तो ये देख सकते हैं रुपाई छड़ी का एक मार्केट पर आया, कितना बड़ा मार्केट है, रबड़ से लेकर सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, ये देखें।